नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यादव। आपका स्वागत यादव मार्बल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इस मकान की पार्किंग और उसके रैंप के बारे में आपको बताया कि किस तरह बनेगा, उसी मकान के अंदर का नज़ारा जिसके अंदर सीढ़ियाँ हॉल, वो हम आज के सेगमेंट में लेंगे। दोस्तों, क्या है कि बहुत बड़ा सारा मकान है और उसके हर चीज़ को समझने के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके तीन पार्ट किए हैं। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे सीढ़ियाँ, क्योंकि सीढ़ियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। सब सोचते हैं कि सुंदर लगे, काम में भी बहुत आती है, चाहे डुप्लेक्स हो चाहे ऊपर का कुछ और पोर्शन बना हो, तो उसके अंदर बार बार सीढ़ियाँ काम आती है। और सीढ़ियाँ आजकल हॉल का एक अभिन्न पार्ट है, बाहर से लोग कम देते हैं, सीढ़ियाँ हॉल से ज़्यादा देते हैं। वो सुंदर लगनी चाहिए, उसके नीचे की जगह का अच्छे से काम आ जाए। तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ उसी मकान की सीढ़ियाँ कि किस तरह, देखो सीढ़ियाँ लगी है। दोस्तों, इसका थीम लिया गया है वो सिर्फ एक ग्रेनाइट का थीम है। पूरे मालूम है, ये पूरे घर में आपको सिर्फ ग्रेनाइट दिखेगा और ये मैजेस्टिक ब्राउन, जिसको हम देवड़ा ब्राउन भी बोलते हैं। तो ये उसकी सीढ़ियों का नज़ारा है। ये आप देखिए, पूरा इन्होंने यहाँ से सेटअप किया है। ये गेट है छत का और यहाँ से ये आप सीढ़ियों का पूरा दिया है। इसमें दोस्तों, क्या इसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए ज़रूरी है, तो ये कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। ये कॉन्ट्रास्ट के लिए इन्होंने राइज़र में जो है वो ब्लैक, मतलब राजस्थान ब्लैक जो मार्बल है वो दिया है। जैसे आप ये देखेंगे, ये राजस्थान ब्लैक का मार्बल हो गया, ये राइजर हो गया और ये हो गया। थोड़ा ऊपर से देखेंगे आप तो अच्छा सा सुंदर सा नज़ारा दिखेगा आपको। ये आप जैसे जैसे नीचे आऊँगा, इसके पूरी सीढ़ियाँ आप देखें, बहुत बेहतरीन लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। जिसे कहेंगे कि दो कलर हो गए, एक लाइट एक डार्क, और बढ़िया वाला नज़ारा आएगा। इसको अब इस तरह घुमा के मैं आपको हॉल भी दिखाना चाहूँगा इस तरीके से कि किस तरह से हॉल दिखता है। ये सीढ़ियाँ उतर रही है, जो ऊपर से केवल आपको ब्राउन दिखेगी और लेकिन अब इसके राइजर में होंगे तो जैसे ये राइजर आ गया और अच्छा सा इसमें सुंदर नज़ारा आ गया। और दोस्तों, ये जो है ये इसकी, इसको बोलते हैं मोल्डिंग। एक शब्द सुना होगा आपने, वैसे जो फिटर लोग हैं वो तो जानते हैं, बाकी ये मोल्डिंग होती है। एक पीस ये आ गया, उसके नीचे एक पीस और जुड़ा हुआ, ये दो पीस हैं दोस्तों। यहाँ अगर लाइन देखेंगे आप तो ये दो पीस को जोड़ के बनाया गया है। कुछ लोग इसके बीच में एक ब्लैक जो पट्टी भी दे देते हैं, इससे वो तीन पीस बनता है। तो ये एक पीस और ये दो पीस मिलके बना है। दोनों तरफ घिसाई होती है इसकी, यहाँ नीचे भी घिसाई है दोस्तों। तो ये आप देखेंगे, ये तरह से हर सीढ़ी में मेहनत की गई है। पूरा पार्ट नीचे बनता है, साइज कटता है, उसके बाद आके यहाँ लगता है। इसी तरह हर सीढ़ी का है। ये इसको बोलते हैं दोस्तों चौका, कोई इसको पट्टा बोलता है, कोई चौका बोलता है। इसके अंदर आप, इन्होंने दिया है पूरा मैजेस्टिक ब्राउन। आप यहाँ ब्लैक का भी पट्टा दे सकते हैं। ब्लैक का पट्टा कैसे देंगे, ये सीढ़ियाँ देखिए दोस्तों, ये सारी सीढ़ियाँ हो गई है बिल्कुल बराबर। सीढ़ियाँ एकदम शानदार वाली लग रही है और रेलिंग स्टील की दी है, और इसमें आप कांच की रेलिंग भी दे सकते हैं क्योंकि आजकल ग्लास फ्रेमिंग ज़्यादा काम चल रहा है। और ये आपका हॉल है, ये हॉल का एक बड़ा सारा बड़ा हॉल है क्योंकि इसमें फर्नीचर और आप कुछ भी जो भी रखना चाहे, लिविंग एरिया, आपकी डाइनिंग, वो सब चीज़ें आपके इस हॉल में आएगी। तो ये बड़ा सारा हॉल हो गया। इसमें जैसे सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा है, उसमें इन्वर्टर वगैरह या और भी आप कुछ जो भी कुछ करना चाहें, यहाँ फ्रेमिंग हो जाएगी वुडन की और फर्नीचर बन जाएगा। और आप चाहेंगे तो यहाँ भी एक वुडन फर्नीचर हो जाएगा पूरा, और उसके अंदर आप चाहें तो एक शोकेस बन सकता है। और जो भी जिस तरीके से भी काम में आए, जो दिशा आपको सूट करे वास्तु के अनुसार, तो वो काम होगा। तो ये इस तरह का नज़ारा है। यहाँ एक सोफ़ा कम बेड जो भी होगा वो एक अच्छा सा लग सकता है, और यहाँ आपकी डाइनिंग लग सकती है दोस्तों, क्योंकि किचन है। किचन में आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये यहाँ डाइनिंग लग सकती है और यहाँ ये लग सकता है। ये बड़ा हॉल है। एक बार वहाँ से मैं पूरा नज़ारा लेना चाहूँगा कि किस तरह इन्होंने दिया है, कि एक बढ़िया बहुत शानदार वाला लुक आया है। डिज़ाइनर शानदार है, लाइट कलर है, डार्क का इसमें जो साइड की कॉर्नर वो दी है वो सारी इन्होंने ब्लैक की दी है ताकि इसका उठाव आए। ये देखिए, ये जो चीज़ दी है ये ब्लैक, ये राजस्थान मार्बल का जो ब्लैक है, इसमें साउथ ब्लैक भी ले सकते हैं लेकिन दोस्तों बजट का अनुसार है, क्योंकि राजस्थान जो मार्बल है वो 50 से 55 रुपये आता है और साउथ का आएगा कम से कम भी 180 से 190 रुपये करीब। तो ये इसकी रेट है, इसलिए जो आप चाहें काम में ले सकते हैं। और इसको बोलते हैं स्केटिंग। ये जो चीज़ है पूरी दीवार पे बनी हुई है, इसको हम स्केटिंग बोलते हैं। ये 4 इंची 3 इंची दो फ्रेम में लगती है, बड़ा हॉल है जैसे मैंने 4 इंची ले रखी है, आप रूम में 3 इंची भी ले सकते हैं। तो ये इसका पूरा इसका लुक देता है, इसको मजबूती देता है, इसको सफाई वगैरह भरने में ठीक रहता है, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। ये सब जगह दी जाती है, वैसे सबके दिमाग में होगी ये बहुत पुरानी चीज़ है। किसी टाइम में ये 9 इंची 10 इंची तक लेते थे, अब ये 3 से 4 इंची तक हो गई है। तो ये मैंने आपको सारा दिखाया, इसी से मैं आपको रूम दिखाऊंगा। दोस्तों, ये इस घर की खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ एक ही तरह ग्रेनाइट किया, कहीं वेस्टेज हो तो कट पीट के लग जाए, आपस में जुड़ जाए, सारी व्यवस्था इस तरीके से हो कि हर नहीं आनी है। बाकी आपकी चॉइस पर है, आपको आपका जो
इंटीरियर डेकोरेटर है वो क्या सजेस्ट करता है। ये रूम है दोस्तों, जैसे रूम में भी आप देखें जैसा हॉल था वैसे ही है और सारा नज़ारा सब कुछ उसी तरह है। रूम है, इसमें फर्नीचर और जब होगा, अभी इसमें फिटिंग चल रही है मकान में क्योंकि सिर्फ मार्बल फिट हुआ है अभी और ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। तो ये मैंने आपको दिखाया किस तरह होगा। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपके मन में कहीं हो कि मैं पूरे घर में ग्रेनाइट लगाऊं, और ये आ गया जैसे खिड़की, ये खिड़की के अंदर भी आप यहाँ ग्रेनाइट लगा सकते हैं, इससे आपका ये मजबूत रहेगा, सुंदर लगेगा और आप पर्दे वगैरह लगाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आजकल दोस्तों मैं वो चीज़ आपको बाद में दिखाऊंगा कि यहाँ भी आपको ग्रेनाइट लग जाता है, आपके जो तीन साइड है वो भी ग्रेनाइट का लग जाता है, जिसे कहेंगे डोर फ्रेम वो होता है वो ग्रेनाइट का ही लगता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन्होंने नीचे लगाया है तो टोन जो दिया है पूरे घर में बिल्कुल देवड़ा ब्राउन, मैजेस्टिक ब्राउन का दिया है। और ये सारा जो चौक के अंदर कॉर्नर के में डिज़ाइन दी है, ये कॉर्नर को काट के और वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दे दिया, लुकिंग में बहुत सुंदर लगता है। और दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे सारा वेस्टेज काम हो जाता है, कहीं कुछ लगता है कहीं कुछ बसता है। ये सीढ़ियाँ वापस दिखाना चाहूँगा मैं आपको किस तरीके से लगती हैं, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। आप चाहें तो ब्लैक का ऊपर भी ले सकते हैं और इसको नीचे दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप लाइट कलर जो है वो ऊपर टॉप में दें और राइजर के अंदर ब्लैक ले दें। तो ये शानदार वाली चीज़ मैंने आपको दिखाई और एक तरह से ऊपर, वैसे ये अपना सेगमेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार ऊपर जो है वो दिखाएं कि किस तरह लाइटें और झूमर के लिए भी काम होता है। दोस्तों यहाँ हम खड़े हैं अभी राजस्थान के जयपुर में, आज जयपुर में ये वर्क चलता है, आप जहाँ हो वहाँ कुछ और चलता होगा। ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि इस तरह का वर्क भी चलता है, इसमें झूमर लग सकता है, पंखा लग सकता है या और कोई लाइटिंग या और कोई डेकोरेटिव चीज़ वो सब लग सकती है। तो ये अच्छी चीज़ है लगाने के लिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपको अगले सेगमेंट में किचन के बारे में बताऊँगा, किचन और मंदिर जो इस घर में बनाया गया है वो मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊँगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, ओम यादव, यादव मार्गों से जय हिंद जय भारत।